वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग विद अस। अब तक हम डिस्कस कर चुके हैं डिफरेंट टेंसेस को और उनके स्ट्रक्चर को। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे कि अगर हमें कोई कॉम्पोजिशन दे जाए लिखने के लिए तो हम किस तरह से डिफरेंट टॉपिक्स या फिर डिफरेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग टेंसेस का यूज़ करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करते हैं कि अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो हम उसमें किस तरह की बातें एक्सप्रेस करते हैं या किस तरह की एसेज जो है उनमें हम लिख सकते हैं। जैसे अगर हमें कोई हैबिचुअल एक्शन एक्सप्रेस करना हो या फिर किसी इंसान की कोई आदत या फिर किसी चीज़ की कोई कैरेक्टरिस्टिक। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं। हैबिचुअल एक्शन जो है इस सेंटेंस में इस तरह से एक्सप्रेस हो रहा है, जैसे आई एक्सरसाइज एवरी डे इन द मॉर्निंग, कि मैं रोज़ सुबह एक्सरसाइज करती हूँ। तो एक तरीके से अपना हैबिट बता रहे हैं जो ये रोज़ करता है या करती है। तो ये चीज़ किस में एक्सप्रेस होगी? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। नेक्स्ट, कोई भी हैबिट ऑफ अ पर्सन, जैसे ही स्पीक्स द ट्रुथ, तो यहाँ पर हमने उसकी आदत बताने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ किया है। नेक्स्ट सेंटेंस इज द मशीन वर्क्स वेरी फास्ट, तो ये चीज़ जो है ये मशीन की जो है कैरेक्टरिस्टिक बता रही है कि वो फास्ट काम करती है। तो ये चीज़ हमने कौन से टेंस में एक्सप्रेस करी? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। अब नेक्स्ट जो है, हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में कोई यूनिवर्सल फैक्ट एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे हमें कोई कॉम्पोजिशन दी जाए अर्थ पे लिखने के लिए या फिर कोई एसे, तो हम उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल द अर्थ मूव्स राउंड द सन, तो ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है, तो इसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही एक्सप्रेस करेंगे। नेक्स्ट, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो ये भी इसी टेंस में एक्सप्रेस होगा। और हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो यूज़ कर सकते हैं वो ऐसी सिचुएशन में कर सकते हैं जहाँ पर हमारा मकसद ये है कि वो काम फ्यूचर में होगा लेकिन हम उसे एक्सप्रेस करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में। जैसे अगर कोई हमसे पूछे कि तुम्हारा स्कूल कब ओपन होगा, तो हम ये कहने के बजाय कि आवर स्कूल विल ओपन इन दिसंबर, हम क्या कह सकते हैं? आवर स्कूल ओपन्स इन दिसंबर, कि हमारा स्कूल दिसंबर में ही खुलता है। तो इसका जो सेंस है वो फ्यूचर का आ रहा है, लेकिन जो स्ट्रक्चर है, जो टेंस यूज हुआ है, वो यूज हुआ है सिंपल प्रेजेंट टेंस। नेक्स्ट, आवर स्कूल असेंबली बिगिंस एट 8 AM, कि हमारे स्कूल की असेंबली जो है 8 बजे शुरू होती है। तो हो सकता है होने वाली हो, सेंस जो है फ्यूचर का ही है लेकिन टेंस जो यूज़ करा है हमने वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब बात आती है सिंपल पास्ट टेंस हम कैसे सिचुएशन में या फिर कैसे कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करेंगे। सबसे पहले ये तो हमें पता ही है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में, कि इस टेंस में वो एक्शन एक्सप्रेस किए जाते हैं जो कि पास्ट में हो चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने सेंटेंस लिखा है आई रिसीव योर पार्सल yesterday, कि मुझे तुम्हारा पार्सल कल ही मिला। और नेक्स्ट सेंटेंस है ही केम टू मीट मी लास्ट मंथ, कि वो मुझसे पिछले महीने मिला। अब यहाँ पर जो एक तो हमें पता है वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज होगी, और एक और चीज़ सिंपल पास्ट टेंस को एक्सप्रेस करने के लिए हम इस तरह की वर्ड्स का यूज कर सकते हैं yesterday, लास्ट मंथ, अगो, बिफोर। तो ये चीज़ से पता चल जाएगा कि बात पास्ट की हो रही है। नेक्स्ट, और कैसे सिचुएशन में हम सिंपल पास्ट टेंस यूज करते हैं? जब हम कोई कहानी नरेट करते हैं या कोई पास्ट इवेंट की हम सीरीज बता रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल हमने बचपन से बहुत कहानियाँ पढ़ी हैं, तो उनकी ज़्यादातर की जो स्टार्टिंग होती है वो ऐसे होती है, वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ किंग, कि एक बार की बात है एक राजा था। तो अगर हम कहानी सुनाते हैं या लिखते हैं तो ऐसे सिचुएशन में या केस में हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करेंगे। और एक और चीज़, हम पास्ट टेंस में अपनी हैबिचुअल एक्शन भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल माई ग्रैंड मदर टोल्ड मी स्टोरीज व्हेन आई वाज 5, कि मेरी दादी माँ मुझे कहानियाँ सुनाया करती थी जब मैं 5 साल का था या थी। तो हमने प्रेजेंट सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करा अपनी हैबिचुअल एक्शन बताने के लिए। नेक्स्ट, सिंपल फ्यूचर टेंस कैसे सिचुएशन में यूज होगा? सबसे पहले वो तो हमें पता ही है कि कोई भी फ्यूचर एक्शन जो होने वाला है उसमें यूज होगा। अब और कौन सी कंडीशंस हो सकती हैं? ये है कि हम सिंपल फ्यूचर टेंस को यूज़ कर सकते हैं ऐसा रिजल्ट एक्सप्रेस करने के लिए जो कि कंडीशन सेंटेंसेस में। फॉर एग्जांपल इफ़ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास, कि अगर वो मेहनत करता है तो वो पास हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने दो टेंसेस का कॉम्बिनेशन लिया है वर्क्स, यानी कि ये हुआ सिंपल प्रेजेंट टेंस, और यहाँ पर विल लगाकर ये फ्यूचर टेंस एक्सप्रेस हो गया। तो यहाँ पर दो सेंटेंस टेंसेस का कॉम्बिनेशन हुआ और कंडीशन ये हुआ कि इफ़ ही वर्क्स हार्ड, अगर वो मेहनत करता है ही विल पास। नेक्स्ट, हम सिंपल फ्यूचर टेंस को प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का यूज करके भी एक्सप्रेस कर सकते हैं।
फॉर एग्जाम्पल मैंने यह सेंटेंस लिखा है आई एम जस्ट कमिंग, कि मैं बस आ रहा हूँ. अब यहाँ पर यूज हुआ है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, लेकिन जो सेंस है वो किसका आ रहा है, फ्यूचर टेंस का. अभी आया नहीं है, आ रहा है या आने वाला है. तो सेंस हुआ फ्यूचर टेंस का, लेकिन यूज हुआ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. नेक्स्ट, बाय यूजिंग अबाउट प्लस इन्फिनिटिव फॉर्म. अभी जो इन्फिनिटिव फॉर्म है हम इसको फर्दर क्लासेस में डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी सिर्फ हम इसको ऐसे ही समझते हैं. हम अबाउट और इन्फिनिटिव फॉर्म का यूज करके सिंपल फ्यूचर टेंस एक्सप्रेस कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस इज द बेल इज अबाउट टू रिंग, कि बेल जो है बजने वाली है. बेल अभी बजी नहीं है, लेकिन सेंस क्या है सिंपल फ्यूचर टेंस का, कि अभी बजेगी. लेकिन यहाँ पर हमने इज अबाउट और इन्फिनिटिव फॉर्म, इसमें टू लगता है, उसका यूज किया. नेक्स्ट, बाय यूजिंग एम और इज और आर प्लस इन्फिनिटिव फॉर्म. फॉर एग्जाम्पल ही इज टू जॉइन द आर्मी, कि वो आर्मी ज्वाइन करेगा, लेकिन अभी करी नहीं है. तो सेंस फ्यूचर टेंस का ही, लेकिन यूज हुआ है एम इज आर और प्लस इन्फिनिटिव फॉर्म. एंड द लास्ट इज गोइंग प्लस इन्फिनिटिव फॉर्म को यूज करके. फॉर एग्जाम्पल I am going to discuss this matter in the meeting, कि मैं ये matter discuss करने वाला हूँ meeting में. अभी किया नहीं है, लेकिन use किया हुआ है going plus infinitive form. तो आज की क्लास में हमने जाना कि अगर हमें different composition लिखनी है या compose करनी है, किस तरह से हम different tenses का use करते हैं. Next classes में हम remaining tenses के बारे में जानेंगे कि उनका use किस situation में, किस context में होता है. आज की क्लास में बस इतना ही. अगर आपको मेरे वीडियो हेल्पफुल लगा हो, यूजफुल लगा हो, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल इसी रनिंग विद अस को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू सो मच.